नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। रामगढ़ में पर्सनल उपभोक्ता मंच की बैठक का आयोजन कस्बा स्थित बस स्टैंड पर श्री साईदास मंदिर में सेवानिवृत्त रामबाबू गुप्ता अध्यापक की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी शामिल हुए। प्राप्त जानकारी प्रवक्ता अजीत प्रसाद जैन ने दी और बताया कि बैठक में बैंक, चिकित्सा व अन्य समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर रामनिवास भगवान सहाय, ओम प्रकाश भारद्वाज, राजेंद्र सोनी, लेखराज मांगीलाल, रतनलाल सिंगल, ओम प्रकाश भारद्वाज, रामधन मीणा, गणेश मुखीजा, दीनदयाल शर्मा, राम अवतार सिंगल, रघुनंदन सेव इत्यादि पेंशनधारी मौजूद रहे। आज रामगढ़ पेंशनर समाज की साईदास जी के मंदिर में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वयोवृद्ध शिक्षाविद श्री रामबाबू जी गुप्ता ने की। ये बताया गया कि रामगढ़ में मेडिकल उपभोक्ता की दुकान खुल गई है, सभी पेंशनरों ने खुशी जाहिर की। आज सभी पेंशनरों से रजिस्ट्रेशन हेतु फार्म भरा लिए गए हैं और हमने मैनेजर साहब से ये निवेदन किया कि जो पेंशनर सीनियर सिटीजन हैं, जिन्हें लाइन में दिक्कत आती है, उन्हें अलग से सुविधा प्रदान की जाए। मैनेजर साहब ने हमें स्वीकृति प्रदान कर दी। हम सभी ने एक मत से ये निर्णय लिया कि शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी प्रयास होंगे, हम तन मन धन सभी से सहयोग करेंगे। आज हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, अलावड़ा, रामगढ़ पंचायत समिति और रामगढ़ तहसील के परिक्षेत्र में जितने भी पेंशनर आते हैं, उन सबको जोड़ा जाए, ताकि हम इस पेंशनर इकाई को अलवर जिले के अंदर सर्वश्रेष्ठ घोषित कर सकें।